तो भाई आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो सोनीपत 19/78। तो अभी हमें हाईवे के ऊपर, और ये है वो मंदिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी शिवर लगते हैं इस मंदिर पर, आपको याद भी होगा। और ये हाईवे है और ये पुल है, ये देखिए। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ अंदर मंदिर, तो मंदिर की तरफ चलते हैं। और आप लोगों को शायद याद होगा, आप आए होंगे, तो यहाँ से आप इधर से नीचे उतरते हैं, इस साइड में जाते हैं, तो ये है इस मंदिर में। यहाँ पर बहुत बड़ा शिवर लगता है और बहुत भीड़ होती है। तो आइए वहाँ अंदर चलते हैं और जानते हैं वहाँ पर अगर कोई है तो उनसे कि यहाँ पर इस बार कांवड़ यात्रा की क्या तैयारी है शिवर की। वही ये है मंदिर और यहाँ पर एक बाबा जी हैं, देखिए उनसे बात करते हैं अगर कुछ जानकारी मिल जाती है तो। ये देखिए, तो यहाँ पे भाई मंदिर पे हैं अभी और बाबा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। तो बाबा जी, यहाँ पे हर साल बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, शिवर लगता है। हाँ। तो दो साल से तो लगा नहीं है। दो साल से मेरे पहले बहुत भीड़ लगी है। अच्छा, अब की बार जो है सावन की तैयारी शायद चल रही है, तो इस बार क्या लग रहा है आपको, है उम्मीद भीड़ चलेगी खूब? तो आपकी तरफ से क्या तैयारी है, ट्रस्ट की तरफ से क्या तैयारी है यहाँ पे शिवर की, आपके यहाँ से कुछ तैयारियां होने लगी है कि अभी वेट में ही, आप भी इंतजार में हो कि अभी? ट्रस्ट तो यहाँ है नहीं। अच्छा, ये तो अपने ऊपर निर्भर है मंदिर के। अच्छा, तो आप ही लोग करवाते हैं सार्वजनिक हिसाब से? अच्छा, तो अभी कुछ सुनने में आया है कि क्या तैयारी है इस बार, कुछ होगा इस बार? उम्मीद तो पूरी पूरी है। अच्छा, आप लोगों के मंदिर की तरफ से क्या उम्मीद है? मंदिर की तरफ से भी उम्मीद है पूरी। तो मतलब आप तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, जैसे हर साल के पहले से होता आ रहा है? ये तो 27 साल से होता रहा जी, बिल्कुल। जैसे कि अभी 14 तारीख से सावन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। तो आपके यहाँ मंदिर पे कितनी तारीख से स्टार्टिंग है कि तैयारी आप शुरू कर देंगे श्रद्धालुओं के लिए? तकरीबन जब जल चढ़े 7-8 दिन पहले। 7-8 दिन पहले? हाँ। 26 को चढ़ेगा, मतलब 18 तारीख तक यहाँ पर तैयारी फुल हो जाएगी। यहाँ पर भाई 18 तारीख तक फुल तैयारी हो जाएगी। और ये मंदिर बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना, और बहुत टाइम से यहाँ भीड़ होती है। और इस टाइम पे आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है, आसपास में कोई नहीं। उस टाइम पे तो यहाँ बाबा जी मेरे पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ हो जाती है। मिनी हरिद्वार हो जाता। हाँ, मिनी हरिद्वार हो जाता। अच्छा, ये कौन सी जगह बोलते हैं, कौन सा पुल है यहाँ पे? ये गोरी पुल के नाम से मशहूर है। अच्छा, गोरी पुल है भाई, ये गोरी पुल पे हम खड़े हैं। और यहाँ नीचे आके एक मंदिर होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है आप इससे जाते हो तो पुल से। और ये बॉर्डर पड़ता है हरियाणा यूपी का भाई, बॉर्डर पड़ता है। तो फिलहाल भाई बाबा जी का कहना है कि 18 तारीख को यहाँ शिवर लग जाएगा और फिर दोबारा से वही रौनक होगी जो पहले होती थी। तो बाबा, दो साल से कुछ नहीं हुआ तो मन उदास तो बहुत हुआ होगा आपका? नहीं, उदास कुछ नहीं, जो सामाजिक समाज के साथ है, जो राज के साथ, फिर भी एक जो हमारा है पर्व है, एक उल्लास है, वो रुक जाए तो थोड़ा, हाँ थोड़ा सा तो होता है मन में, कटाक्ष तो होता ही। तो आप अकेले रहते हैं यहाँ पे भी? हाँ, अच्छा, और कोई साधु आपके साथ नहीं है अभी? ना, ना, ना। तो उस टाइम पे भी आप अकेले ही संभालते हैं सारा? अकेले संभालते हैं, ये आश्रम भी है वो चौकी के पास जो है। अच्छा अच्छा, तो अभी भाई यहाँ पर तैयारी बहुत हो रही है, आप आ सकते हैं, खुल के आ सकते हैं। फिलहाल तैयारियाँ शुरू होने लगी हैं, अभी तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, मगर कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पर वही रौनक दोबारा लौट के आ जाएगी जो हम पहले देखते थे। तो वो सामने हाईवे है ये देखिए, और बहुत जल्दी ही आप लोगों को दोबारा से वही चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो मिलते हैं इसी के साथ किसी अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ।